सबसे पहले एक नंबर का किला राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला है, क्या दे देना ना बोल रहा है। एक किला 10 किलोमीटर का, राजा सूरज सैन पहले राजा थे, इन्होंने इस किले को बनवाया। 6वीं शताब्दी में इस किले की शुरुआत हुई है। लास्ट में राजा सिंधिया आए, इनके बीच में 108 राजाओं ने राज किया। इनमें अलग अलग 7 वंश के राजा हुए, कछवाहा, प्रतिहारा, सोलंकी, तोमाल, लोधी, मुगल और सिंधिया। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा फेमस राजा मानसी का इतिहास रहा है 15वीं शताब्दी का। राजा मानसी तोमर ग्वालियर के, जिस समय राजा मानसी यहाँ राज कर रहे थे उस समय गुरु नानक देव जी का टाइम था। गुरु नानक देव जी का जो टाइमिंग रहा है वो 1469 से लेके 1539 तक रहा है, और राजा मानसी का समय 1486 से लेके 1516 तक रहा है। तो उस समय ये राजा मानसी यहाँ के राजा थे। इनकी 9 रानियाँ थीं, 8 रानियाँ राजाओं की लड़की थी, 9वीं रानी एक गरीब किसान की थी। उसका महल नीचे सिटी में ग्वालियर गेट पर गुजरी महल के नाम से अलग बना है। ये 8 रानियों की पूजा करने के लिए मानसी जी ने शिव जी का मंदिर बनवाया था, जिस जगह वे अभी आप हैं। इसका नाम 52 थंभ है, लेकिन गिनती करोगे तो 82 थंभ है, क्योंकि 82 थंभ पहले भी थे और अभी भी हैं। लेकिन जब जेल बनाया गया तो इसमें 30 स्तंभ बंद कर दिए गए थे दीवार के अंदर। जब 30 स्तंभ बंद कर दिए गए तो 52 रह गए। 52 ही राजे थे, एक एक राजा को एक एक थंभ से बांध के रखा था। इनके साथ में 6 बादशाह हरगोविंद साहब को यहाँ नज़र कैद करके रखा था। गुरु साहब कहीं भी आ सकते थे, किले के अंदर घूम सकते थे। तो जहाँ गुरुद्वारे साहब है वहाँ पर बैठ करके गुरु साहब ने ईश्वर की आराधना की, और जहाँ राजाओं के साथ रहे हैं, राजाओं को उपदेश देते रहे हैं, वो ये जगह है। तो वैसे एक राजा महाराजाओं का इतिहास तो हर किलों पर मिलता है, लेकिन एक किला एक ऐसा है जहाँ पर गुरु साहब का इतिहास जुड़ा है। दूसरी बात है, संगत को गुरु जी के बारे में पता रहता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। खासियत इस जगह पे आकर के जो गुरु जी के बारे में सुनते हैं वो एक सत्संग और साकी का रूप होता है। तो 5 मिनट थोड़ा मैं आपको गुरु साहब के बारे में बताना चाहूँगा। मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोले सोनिहाल श्री अकाल। तो देखिए, ग्वालियर के किले पर 6 बादशाह हरगोविंद साहब आकर के रहे 2 साल 3 महीने। यहाँ पर 6 बादशाह हरगोविंद साहब जी के आने के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। उनमें से 2 कारण माने जाते हैं। एक तो कारण था चंदू की दुश्मनी का कारण। चंदू जहांगीर का वजीर था, वो गुरु परिवार से दुश्मनी मानता था। लेकिन उसने गुरु परिवार से दुश्मनी क्यों पाली? उनकी दुश्मनी का कारण बना उसकी लड़की का रिश्ता। पहले नाई ब्राह्मण के द्वारा रिश्ते तय कराए जाते थे। उन्होंने भी अपनी लड़की के रिश्ते के वास्ते नाई ब्राह्मण को भेजा, तो उन्होंने हरगोविंद साहब को पसंद कर लिया। उन्होंने बताया कि हमने 5 गुरुपुर से हरगोविंद साहब को चुन के आए। वो कहते हैं कि ना, वो रिश्ता नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो परिवार छोटा, हमारा परिवार बड़ा। ये सब संगत को खबर हुई। सारी संगत ने 5 गुरु अर्जुन देव जी से कहा कि दोबारा से जब रिश्ता आता है तो अब इनके रिश्ते को नहीं मानना। और हुआ यही, जब दोबारा रिश्ता भेजा तो मान नहीं किया। इस बात का उसे बुरा लग गया, उन्होंने गुरु परिवार से दुश्मनी रखी। इधर जहांगीर भी गुरु परिवार से दुश्मनी मानने लगा था। उसकी दुश्मनी का कारण बना उसका लड़का, क्योंकि उसके लड़के का नाम खुसरो था और वो पंजाब की स्टेट पर मंत्री था। एक बार खुसरो में और जहांगीर में किसी बात को लेकर झगड़ा तय हुआ। जहांगीर अपने लड़के को मारने के लिए पंजाब जाता है। वो डर करके 5 गुरु अर्जुन देवी की शरण में पहुंचा। 5 गुरु अर्जुन देव जी ने मदद कर दी। इस बात का उसे बुरा लग गया। उसी का बदला लेते हुए 5 गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में शहीद करवाया गया। 5 गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी देने के बाद जब गुरुगद्दी पे 6 बादशाह हरगोविंद साहब बैठे, ये तो महान पुरुष थे। इन्होंने असहाय लोगों की मदद करने के लिए वीरा चखा। मीरी पीरी नाम से एक तरवार, एक कृपाण धारण की, एक शक्ति के एक भक्ति की सेना तैयार की। जहांगीर को देखकर, ये चीज़ देख करके जहांगीर को भय लगने लगा कि अगर इस तरीके से गुरु की कलाएं बढ़ती जाएंगी, उठती जाएंगी, तो हम शासन किस पर करेंगे। लेकिन ना तो उस समय वो गुरु साहब को बंदी बना सकता था, ना जुर्म कर सकता था। ये मौका पा लिया चंदू ने। चंदू ने जहांगीर को भर दिया।
चंदू ने जहांगीर से कहा कि आप बीमार रहते हो, आपको कोई बीमारी नहीं, आपको 7.5 का लगा है, इसके लिए तो आप किसी महान पुरुष से जाप कराओ। बोले कौन है जो हमारे लिए जाप कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि 6 बादशाह हरगोविंद साहब बहुत महान है, इनको ग्वालियर जैसे किले पर भेज के तपस्या कराओगे तो आपका 7.5 का ठीक हो जाएगा। ये बहाना था चंदू का। चंदू चाहता था कि मैं ग्वालियर के किले पर यदि गुरु साहब को भिजवा दूंगा तो यहाँ पर मैं अपनी दुश्मनी का बल्ला ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो दरोगा था हरदास नाम का, वो उसका गुरु, उनका रिश्तेदार लगता था, उसके द्वारा वो अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था। इधर जहांगीर को लगा कि तो मौके की बात है, इस बहाने से अगर हम ग्वालियर के किले पर गुरु साहब को भेज देंगे तो अमृतसर में, पंजाब में इनकी जो सैनिक शक्ति बढ़ रही है, सम्मान बढ़ता जा रहा है, वो रुक जाएगा। तो दोनों ने अपना मतलब निकालने के लिए 6 बादशाह हरगोविंद साहब को ग्वालियर के किले पर तप करने के वास्ते भेजा। जब गुरु साहब यहाँ पर आए, राजाओं को बंधे हुए देखा, उनको बड़ा कष्ट हुआ। जब राजाओं ने गुरु साहब को देखा, उनको बड़ी खुशी होने लगी कि गुरु बीच में आ गए, अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया है, तो उनके प्रेम के आंसू झलकने लगे। गुरु साहब ने उनको आश्वासन दिया कि आप धीरज रखो, हम आए आपकी कुछ जरूर मदद करेंगे। तो वैसे तो गुरु साहब कभी भी राजाओं को लेके जा सकते थे, लेकिन वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सिख धर्म में शक्ति को दिखाना ये गुरु के हुक्म के मुताबिक नहीं है। ऐसा रहते हुए गुरु साहब को 2 साल 3 महीने हो गए। जब काफ़ी लंबा समय हो गया तो अमृतसर में माता गंगा जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने बाबा बुढ़ा जी को भेजा कि ग्वालियर के किले पर जाओ, हरगोविंद साहब को वापिस लाओ। बाबा बुढ़ा जी जब यहाँ पर आए, उस समय 5 संत गुरु साहब के साथ में थे, वो नीचे से मेहनत मंजूरी करके थे और वही उसी का जो कमाए हुए पैसे का गुरु साहब लंगर चखते थे। कहा जाता है कि 500 रुपये पर महीने गुरु को खर्च करने के लिए रखा था जहांगीर ने अपने राजकोष में से, उसमें से गुरु का साहब ने कभी लंगर नहीं चखा। वही 5 संतों से कहा कि हरगोविंद साहब को ले चलो, उन्होंने कहा ऐसा कोई बादशाह का हुक्म नहीं है जो गुरु साहब को ले जाएं। तो उन्होंने कहा कुछ प्रयास करो। जब प्रयास करने के लिए कहा तो बाबा बुढ़ा जी की आज्ञा पाते हुए 2 संतों ने शेर का रूप धारण किया और जहांगीर को सपने में भयभीत कर दिया। जहांगीर की पत्नी मलका नूर जहाँ ने शाइमिया मीर से पूछा कि कारण क्या है, ये बीमार रहते हैं, इनको सपने में शेर दिखाई देते हैं। शाइमिया मीर ये वही थे जिन्होंने अमृतसर की नींव रखी थी। उन्होंने बताया कि आपने गलती की है, आपने एक संत को बंदी बनाया है और जब तक उनको नहीं छोड़ दोगे जब तक तुम चैन से नहीं सो पाओगे। उनके कहने पर मलका नूर जहाँ के दबाव के कारण जहांगीर आए और जहांगीर ने गुरु साहब को छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये राजाओं को खबर हुई कि सुबह तो गुरु साहब चले जाएंगे। सारे राजाओं ने गुरु साहब से कहा यदि गुरु जी आप अकेले जाओगे तो हमको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम एक बंदे को भी छोड़ के नहीं जाएंगे, जाएंगे तो हम सबको साथ में ले जाएंगे। उन्होंने अकेले जाने से इनकार कर दिया। उसकी बेगम को ये खबर हुई कि गुरु साहब अकेले नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जितने भी राजाओं को गुरु साहब ने साथ में लेके जाना चाहे उनको सबको छोड़ दो। जहांगीर ने सोचा अगर हम सबके छोड़ देंगे तो हमारे ये खुलते ही बकावत चालू कर देंगे, पीछे भी सोचा अगर अपनी बेगम की बात को नहीं मानेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगी। तो उनको समझाने की उन्होंने चाल चल दी कि जो गुरु का पल्ला पकड़ के जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। ये क्यों कहा कि कोई राजा पल्ला नहीं पकड़ेगा। पल्ले का मतलब होता है किसी के सामने झुकना। पहले के राजा सिर कटा देते थे, झुकाते नहीं थे। तो जहांगीर को विश्वास था कि राजा पल्ला नहीं पकड़ेंगे तो राजे नहीं जाएंगे, और यदि राजे नहीं जाएंगे तो गुरु साहब भी नहीं जाएंगे, तो सारे के सारे कैदी अंदर रहेंगे। अगर राजा मजबूरी को लेकर पल्ला भी पकड़ते हैं तो गुरु का लाभ इतना बड़ा पल्ला नहीं कि राजा सारे निकल जाएंगे। उन्होंने कह दिया जो गुरु का पल्ला पकड़ के जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। गुरु साहब ने राजाओं से पूछा आप राजपूत राजे हो, क्या आप हमारे पल्ले को पकड़ के जाना चाहोगे? राजपूत राजा ने विचार किया हम किसी राजा महाराजा का पल्ला नहीं पकड़ रहे हैं, किसी आम जनता का भी पल्ला नहीं पकड़ रहे हैं, पल्ला तो हम एक संत का पल्ला पकड़ रहे हैं। बोले गुरु जी हम आपके पल्ले को पकड़ के जाने के लिए तैयार हैं। गुरु साहब ने विचार किया कपड़ा छोटा है, राजा बहुत सारे कैसे निकाला जाए, लेकिन गुरु तो महान थे, उन्होंने सोचा पल्ला पकड़ने के लिए कहा है, ये तो नहीं कहा कि पल्ले का एरिया कितना छोटा कितना बड़ा होना चाहिए। इसलिए गुरु जी ने 52 कली के चोले का निर्माण किया, उसको पहना और एक एक राजा को एक एक खल्ला पकड़ा करके सारे राजाओं को कैसे छुड़ाया, उनकी यादगार में दाताबंदी छोड़ के नाम से जयकार हुई। दाताबंदी छोड़ के नाम से गुरुद्वारे साहब बनाए गए। तो जहाँ पर गुरुद्वारे साहब पे मत्था टेका वहाँ गुरु साहब के तपस्या करने वाली जगह है, जहाँ गुरु साहब रहे हैं, जहाँ पर गुरु जी के चरण पड़ते रहे हैं, ये वो पवित्र पावन जगह है जहाँ पर अभी आप 10 मिनट खड़े रहे। बोले समय उसे मेरे पीछे पीछे आई जाओ, ये नाना लगे के रहेगा, ताकि असी उदो टिकटा भी लेनी है।